देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। जितनी भी हमारी सब्जी वाली फसलें हैं उनके अंदर जो भी हमारे देसी खाद हैं इनका सबसे अच्छा प्रभाव रहता है, तो अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बहुत से किसान भाई जो देसी खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं वो मिट्टी की जांच के अनुसार रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, और जो किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते हैं वो 30 से 40 किलो नाइट्रोजन, लगभग इतनी ही फास्फोरस, इतना ही पोटास बुआई से पहले जहाँ बीज बो रहे हैं केवल वही डालें, पूरे खेत में ना डालें। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और इस पर आपका हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उड़ीसा में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, JKU ने शुरू किया प्रोजेक्ट दी ऑर्गेनिक उड़ीसा। कृषि वैज्ञानिकों ने दी पूरी जानकारी, किसान इस तरह करें रबी फसलों का भंडारण। अमेरिकन केसर की खेती करके फंसे किसान, अब बाजार में नहीं बिक रही फसल। केंद्र की राह पर चलते हुए अब उड़ीसा में भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कई तरह के प्रयास करना भी शुरू कर दिए हैं। वहीं सरकार के अलावा अभी हाल ही में उड़ीसा स्थित जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय ने भी जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को दी ऑर्गेनिक उड़ीसा का नाम दिया गया है, जिसका लाभ सीधे तौर पर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। दी ऑर्गेनिक उड़ीसा प्रोजेक्ट 2015 में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई जैविक खेती की नीति के कार्यान्वयन का समर्थन करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि दी ऑर्गेनिक उड़ीसा नाम की इस पहल को अमेरिका के डलास की नानबन फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है, जिसके चलते अगले 3 सालों तक ये परियोजना उड़ीसा के रायगढ़, पुरी और कटक जिलों के किसानों के 20 समूहों के बीच शुरू की जाएगी। इन समूहों में जैविक व प्राकृतिक खेती की सफलता का प्रोटोटाइप बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बाद में बाकी जिले भी इसका पालन कर सके और इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत उड़ीसा के 25,000 किसानों को 20 समूहों से जोड़ा जाएगा, जिनके जरिए 500 गांवों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी। इसके पहले चरण में ऐसे इलाकों में जैविक व प्राकृतिक खेती होगी जहां पहले कभी रासायनिक तरीके से खेती या फिर कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं जिन इलाकों पर अभी तक रासायनिक खेती होती आ रही है उन्हें पहले जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा, और इसके बाद दूसरे चरण में परियोजना के तहत इन गांवों में खेती शुरू की जाएगी। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में रबी फसलों की कटाई का काम जोरों पर है, तो वहीं आए दिन खेत में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस बीच अब कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एक जरूरी सलाह जारी करते हुए उन्हें फसलों के भंडारण में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिक समय समय पर किसानों के लिए खेती से जुड़ी जानकारी साझा करते रहते हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने भंडारण के बारे में जरूरी जानकारी देते हुए कहा है कि किसान भंडारण करने से पहले भंडार घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लें और अनाज को अच्छे से सुखा लें। इस दौरान अनाज में नमी की मात्रा 12% से ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान जरूर रखें। और भंडार घर की छत या फिर दीवार पर अगर किसी तरह की दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। इसके अलावा बोरियों को 5% नमी तेल के घोल से उपचारित कर लें और इसके बाद बोरियों को धूप में सुखा लें, जिससे कीटों के अंडे या लार्वा या फिर अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि कटी हुई फसलों और अनाजों को सुरक्षित स्थानों पर रखें, किसान कटी हुई फसल को अच्छे तरीके से बांध कर रखें, अन्यथा तेज हवा या फिर आंधी से एक खेत से दूसरे खेत में फसल उड़कर जा सकती है। गहाई के बाद भंडारण से पहले दावों को अच्छी तरह से सुखा दें। वहीं रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें, ताकि सूरज की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़े या फिर उसके अंडे या फिर घास के बीज नष्ट हो जाएं।
किसानों के साथ धोखाधड़ी के आए दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस कड़ी में अभी हाल ही में झारखंड के बोकारो में कुछ किसान अमेरिकन केसर की खेती के बाद से काफी परेशान हैं। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी खेती के बारे में जाना और लाखों की कमाई के चक्कर में ऑनलाइन बीज मंगाकर खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन अब जब इसकी फसल पककर तैयार हो गई है तो किसानों को इसे बेचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबर की माने तो ये पूरा मामला अति नक्सल प्रभावित इलाके गोमिया प्रखंड के झुमड़ा पहाड़ के तलहटी में बसे रोला गांव का है। यहां पर गांव के किसान अनिल कुमार महतो ने दो और किसानों के साथ मिलकर 80 डिसमिल जमीन पर अमेरिकन केसर की खेती की थी। खेत में फसल पककर तैयार हुई तो उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। ये पौधे तो केसर के पौधों की तरह ही दिखते थे, लेकिन वो असली केसर नहीं थे, जिसके चलते अब इस केसर का बाजार नहीं मिल रहा है। बाजार नहीं मिलने से किसानों को ठगे जाने का एहसास हो रहा है। ऐसे में मजबूरन किसान ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि वो इस फसल को बिकवाने में उनकी मदद करें। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक किसान ने अपने पूरे परिवार के 11 सदस्यों के लिए एक साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल किसान परिवार की पुश्तैनी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है और परिवार को परेशान कर रही हैं। किसान का आरोप है कि वो हर जगह शिकायत कर चुका है, लेकिन कहीं पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और इसलिए वो परिवार समेत खुद के लिए मौत की अनुमति चाहता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के खैर इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में बीते दिन अचानक आग लगने से किसान बर्बाद हो गए। बताया जा रहा है कि किसानों की करीब 400 एकड़ खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने अब बैंक का कर्ज चुकाने की एक बड़ी समस्या इससे आ खड़ी हुई है। हाल ही में बाजार की मांग पर बात करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को खेती के तौर तरीके बदलने की जरूरत है। परंपरागत अनाजों की खेती से किसान की आमदनी में अपेक्षित वृद्धि कभी नहीं होगी। किसानों को जरूरत है कि बाजार की मांग के अनुसार खेती की जाए। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रविवार को खेड़ी चौपटा धरने पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान और मजदूर के साथ हमारा चोली दामन का रिश्ता है। हमने आज किसानों का नमक नहीं हलवा खाया है और नमक पर चीनी भारी होती है। आपकी लड़ाई चंडीगढ़ व दिल्ली में भी लड़नी पड़े तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। हरियाणा के करनाल और पलवल जिला में एक चिंगारी से किसानों की मेहनत खाक हो गई है और किसान और उसका परिवार इस हादसे से पूरी तरह से टूट गया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से देर से कदम उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई एकड़ फसल जलकर खाक हो रही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।